एक रंका और बंका नाम के दो पति पत्नी भगत थे और परमात्मा आए हुए थे। परमात्मा क्या करते हैं, आपको वेदों से भी प्रमाणित किया है कि जब चाहें कहीं पर भी एक साधु संत रूप बनाकर वो कुछ समय उस क्षेत्र में रहा करते, क्योंकि वहाँ उनकी कुछ पुण्य आत्माएं होती थी, उनको फिर से चार्ज करते थे, ज्ञान सुनाते थे, माया से हटाते थे और भक्ति में जोड़ कर उनके पुण्य कर्म बनाकर वहाँ अंतर्ध्यान हो जाते थे। और उसी समय नामदेव जी महाराष्ट्र के अंदर, नामदेव जी छिप्पी जाति में ये भी प्रकट थे। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही होते हैं जिनमें बचपन से ही परमात्मा की तड़फ होती है। तो ओम नाम का जाप करते थे ओनली, और उस समय भी उन्होंने काफी चमत्कार दिखा दिए थे। लेकिन फिर परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा को समझा कि इस ओम से ऊपर एक और मंत्र है। अकेले ओम का मंत्र तो इस ब्रह्म का है और इस जेल से छूटने के लिए तीन मंत्र का जाप है, ओम तत् सत। और तत् और सत ये सांकेतिक है। अब नामदेव जी को काफी मालिक ने समझाया तब उनकी समझ में आई, फिर उनको सतनाम दिया यानी दूसरा मंत्र भी साथ दिया, फिर वो उसका जाप करने लगे। अब गरीबदास साहिब जी ने बताया कि नम छिपा ओम तारी, पहले केवल ओम में लौ लगा रखी थी, ओम में लगन थी और कोई जाप नहीं करता था, और पीछे सोहम भेद बिचारी, बाद में उन्हें सोहम का ज्ञान हुआ और सार शब्द इन दोनों से ऊपर है, सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। कहते नम्मा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, और सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन बहुर डावे। तब नामदेव जी का कल्याण हुआ।